हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप फ्रेंड्स आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी 7 के अंदर हम अपने एप्लीकेशन को किस प्रकार से हाइड कर सकते हैं। ओके, अगर आपको अपने एप्लीकेशन लॉक करना है तो हमारे चैनल पर वीडियो आप जाके उसको देख सकते हैं। अभी के लिए हम बात करने वाले हैं कि रियलमी 7 के अंदर हम अपने एप्लीकेशन को किस प्रकार से यहाँ से इसको सिंपल तरीके से हाइड कर सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला, बस वीडियो को कंप्लीट देखते रहना होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आपको सबसे पहले जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। हम यहाँ से सेटिंग्स के अंदर आ जाते हैं। तो सेटिंग्स के अंदर आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो आपको थोड़ा नीचे जाना है। नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे प्राइवेसी का। तो प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। प्राइवेसी पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको थोड़ा नीचे और जाना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है आपका ऐप लॉक। आपको सिंपल सा ऐप लॉक पर टैप करना है। अब आपको यहाँ पे सेट पासवर्ड करने के लिए बोलता है। ओके, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ से फर्स्ट टाइम आते हैं तो आपको सेट पासवर्ड करने के लिए बोलता है। अगर आप पासवर्ड डाल चुके हों यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे इंटर करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ से हम अपना पासवर्ड सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप चूज़ करोगे, आप या तो अपना पासवर्ड डालेंगे या फिर यहाँ पे आप अदर इंस्क्रिप्शन मेथड्स पर क्लिक करके, यहाँ से आप अदर इंस्क्रिप्शन मेथड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप 4 डिजिट और ये सब यहाँ से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ से हम अपना पैटर्न चूज़ कर लेते हैं और यहाँ से हम अपना पैटर्न डाल देते हैं। पैटर्न डालने के बाद आप इसको कन्फर्म करा दें। कन्फर्म कराने के बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। वो इसलिए पूछा जाता है कि इन केस आप अगर अपने पासवर्ड को भूल जाते हैं तो वो आप यहाँ से उसको डालने के बाद आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे टीचर्स का नाम पूछ रहा है। आपको यहाँ पे और भी कस्टम क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ से उसको चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक हो जाते हैं और यहाँ से हम डाल देते हैं अपना सिंपल सा, हमारा जो रहने वाला है, हमारे सर जो हैं उनका हम नाम डाल देते हैं। ओके, और यहाँ से हम डन कर देते हैं। डन करने के बाद बाई डिफॉल्ट आपके सामने आपके कुछ एप्लीकेशन पे टिक होके आती है लॉक होने के लिए। यहाँ से अगर आपको अच्छे लगे आप इन एप्लीकेशन को चाहें तो यहाँ से लॉक कर सकते हैं। अगर आप इनको लॉक करना नहीं चाहते तो आप इनको यहाँ से अनटिक करके यहाँ से आप इनको अनटिक भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इनको यहाँ पे लॉक करना चाहता हूँ, इनमें मैं इसको सारी रहने देता हूँ। और चलिए मैं इन 4 को ही लॉक कर देता हूँ, नहीं एक वाले लेते, नहीं तो आप बोलेंगे कि और एप्लीकेशन यहाँ पे लॉक नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ से एक गाना एप्लीकेशन को ले लेता हूँ। तो यहाँ से हम सिंपल सा इनको लॉक तो करेंगे ही करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इनको हम हाइड कैसे करेंगे। ओके, तो आप पहले पूरे कॉन्सेप्ट को समझें। पहले आप इनको लॉक करेंगे, उसके बाद आप इनको हाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल सा लॉक 5 पे क्लिक कर लेते हैं। लॉक 5 पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है यूज़ फिंगरप्रिंट और फेस, हम यहाँ से इसको यूज़ कर देते हैं। अब आपके एप्लीकेशन पे यहाँ पे लॉक तो लग चुका है, लेकिन हम इनको करना चाहते हैं हाइड। जैसे ही आप इन पर हाइड करना चाहेंगे तो यहाँ से आप इसको अमेजन शॉपिंग को आप हाइड करना चाहेंगे, इस पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्लिक करने के बाद हाइड होम स्क्रीन आइकॉन, आपको उसको इस पर क्लिक कर लेना है। आपका जो है एप्लीकेशन यहाँ से हाइड हो चुका है। ओके, क्लियर, सिंपल सा। अगर आपको इनको कैसे अगर आप यूज़ करना चाहेंगे हाइड एप्लीकेशन को, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। आपको बैक आना है, आपको यहाँ पे एक सेटिंग्स का आइकॉन देखने को मिलेगा। सेटिंग्स के आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चेंज एक्सेस नंबर का। आपके केस में जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए जाएंगे तो वहाँ से बोलेगा सेट एक्सेस नंबर। ओके, तो यहाँ से हम इसका एक्सेस नंबर डाल देते हैं। तो आपका एक्सेस नंबर रहेगा कुछ इस प्रकार से, #5834#। ओके, यहाँ पे उसको करते हैं डन। डन करने के बाद ये बोल रहा है नंबर याद रखो, हम यहाँ से रखते हैं इसको रिमेंबर। अब आपका पासवर्ड डल चुका है आपका, आप इसको कैसे एक्सेस करेंगे वो आपका डल चुका है। चलिए हम यहाँ से ट्राई कर लेते हैं। यहाँ से हम अपने होम पे आ जाते हैं और डायलर के अंदर जाते हैं। आपको डायलर में जाने के बाद अपना जो आपका एक्सेस नंबर था वो आपको डालना है। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे आपको अपना एक्सेस नंबर डाल देना है #5834#। ओके, जैसे ही अपना एक्सेस नंबर डालते हैं तो आपके सामने आपके हिडन ऐप्स ओपन हो जाते हैं। काफ़ी सिंपल तरीका है। आई होप कि फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो मुझे नहीं आया हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर से सॉल्व कर दूंगा और आपको रिप्लाई देके आपके क्वेश्चंस जो भी रहेंगे उनका आपको मैं आंसर जरूर दे दूंगा। तो इस प्रकार से अपने एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। चलिए एक बार हम ट्राई करते हैं कि अमेजॉन शॉपिंग हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कहीं देखने को नहीं मिलता। ओके, और यहाँ भी आपको देखने को नहीं मिलता, जो कि आपको यहीं पे देखने को मिल जाना चाहिए था। ओके, तो आपको कहीं भी अमेजॉन एप्लीकेशन शो नहीं होता। इनको हम कैसे अनहाइड करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। आपको वापस से सेटिंग में जाना है और आपको प्राइवेसी के अंदर जाना है। प्राइवेसी के अंदर जाने के बाद फ्रेंड्स आपको थोड़ा नीचे आना है और आपको ऐप लॉक पे क्लिक कर लेना है। अपना पासवर्ड यहाँ से आप इसको कन्फर्म कराएंगे। कन्फर्म कराने के बाद आपको इस पर क्लिक कर लेना है और आपका यहाँ पे इसको ऑफ कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन अब आपका नॉर्मल शो हो जाएगा, ये रहा अमेजॉन। ठीक है,
तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं और बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।